नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि विकास के सही मायने बस यही हैं कि आधुनिक कृषि की नवीनतम जानकारी गांव के हर किसान तक पहुंचे, हर खेत तक पहुंचे, ताकि हमारे देश का किसान पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बने। और हम कृषि दर्शन कार्यक्रम सदा आपके साथ हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको उन्नत कृषि यंत्रों से परिचय कराएंगे, साथ में जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन खेती करते हैं उनके लिए मूंग के अच्छे उत्पादन के गुर बताएंगे। पर पहले देखते हैं खबरें खेती की और जानते हैं मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। किसान उठाए 20 ग्राम योजना का लाभ, सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीक, लहसुन प्याज का सुरक्षित भंडारण, जायद में करेले की खेती, पशु आहार को फफूंद से बचाएं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई कर चुके किसान ग्रीष्म काल में सिंचाई की उचित व्यवस्था होने पर मूंग और उड़द की खेती कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में प्रदर्शन के लिए सूरजधारा योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु एवं 20 ग्राम योजना में सभी वर्ग के किसानों के लिए मूंग और उड़द बीज का भंडारण सभी विकासखंड मुख्यालयों में किया गया है। पहले आए पहले पाए के आधार पर विकासखंडों से ये बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है। सब्जी उत्पादकों को भी ये देखना है कि जहां सब्जी बेचनी है वहां किस किस्म का भाव अच्छा मिलता है। किस्म का चुनाव करते समय फसल चक्र को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सब्जी उत्पादक किसान मिट्टी व खरपतवार द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए उचित फसल चक्र अपनाएं। अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का इस्तेमाल करना हो तो सही प्रकार की दवा का सही मात्रा में उचित समय पर प्रयोग करें। छिड़काव के लिए समय जमीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सब्जी उत्पादन में जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये ध्यान रहे कि पौधों के जीवन काल में अलग अलग अवस्थाओं में पानी को अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। पानी की ये कमी अधिकता सब्जियों की बढ़ोतरी व उपज पर प्रभाव डालती है। रोपाई के समय ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध की ही रोपाई करें। अगर कमजोर हो तो उसको खेत में लगाने से भी अधिक समय लगता है तथा बढ़वार भी कम होती है। पौध की उम्र का भी उपज पर काफी प्रभाव पड़ता है। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर भूमि को खुरपे से अच्छी तरह दबाएं ताकि पानी आने पर पौधे गिरे ना। गर्मी के मौसम में तो रोपाई शाम के समय ही करें। रोपाई के तुरंत बाद पानी लगाना बहुत जरूरी है। प्याज व लहसुन प्रमुख शीतकालीन मसाला फसलें हैं जो शीघ्र पककर खुदाई के लिए तैयार होने वाली हैं। इनका सुरक्षित भंडारण ही मुख्य जरूरत है। भंडारण से पहले कंदों को अच्छी तरह से सुखा लें। अच्छी तरह से पके हुए चमकदार ठोस व स्वस्थ कंदों का ही भंडारण करें। भंडारित प्याज की परत की मोटाई 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पकी हुई फसल पर मोलिक हाइड्राजाइड के 5000 ppm घोल का छिड़काव फसल की भंडारण अवधि को बढ़ाता है। भंडार गृह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता 60 से 65% रखें। समय समय पर भंडार गृह की जांच करते रहें व सड़े गले कंदों को बाहर निकालते रहें। यदि आप इस समय करेले की खेती करना चाहते हैं तो करेले की बुआई का यह उचित समय है। करेले की एक हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। एक ही स्थान पर 2 से 3 बीज 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बुआई से पूर्व बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लेना चाहिए जिससे अंकुरण अच्छा होता है। करेले की उन्नत किस्मों में काशी हरित, कल्याणपुर, सोना पूसा 2, मौसमी, बारहमासी, काशी उर्वशी आदि मुख्य प्रजातियाँ हैं। पशु आहार का भंडारण अगर सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से ना किया जाए तो आहार फफूंदग्रस्त हो जाता है। इन फफूंद से विषैले पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं जो कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। इन विषैले पदार्थ के सेवन से पशुओं को बढ़वार में कमी आती है, भूख कम लगती है, जनन क्षमता प्रभावित होती है, साथ ही टीकाकरण का प्रभाव कम होने लगता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए पशुपालक पशु आहारों का भंडारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भंडारण स्थल पर नमी ना हो, साथ ही भंडारण पात्र भी साफ सुथरा एवं सूखा हो जिससे कि पशु आहार में किसी प्रकार का संक्रमण ना फैल सके। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस आज इतना ही। आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 1625 रुपए, अधिकतम 1630 रुपए। बीकनगांव में न्यूनतम 1525 रुपए, अधिकतम 1680 रुपए।
ब्यावरा में न्यूनतम 1495 रुपए, अधिकतम 1690 रुपए, बिछिया में न्यूनतम 1660 रुपए, वही अधिकतम भी 1660 रुपए। आइए अब जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बैतूल में न्यूनतम 1250 रुपए, अधिकतम 1291 रुपए, नीमच में न्यूनतम 1365 रुपए, अधिकतम 1406 रुपए, बुरहानपुर में न्यूनतम 1211 रुपए, अधिकतम 1385 रुपए, मंदसौर में न्यूनतम 1400 रुपए, अधिकतम 1423 रुपए। आइए अब जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बालाघाट में न्यूनतम 1345 रुपए, अधिकतम 1490 रुपए, बिछिया में न्यूनतम 1470 रुपए, अधिकतम 1475 रुपए, दतिया में न्यूनतम 2950 रुपए, वही अधिकतम भी 2950 रुपए, गोरखपुर में न्यूनतम 1470 रुपए, वही अधिकतम 1474 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। इससे समय, श्रम और धन की बचत होती है, इसलिए किसान भाइयों आपको उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र साजापुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SS धाकड़ साहब। आइए ध्यान से सुने। ये जब हम लोग हाथ से कटाई करते हैं तो पहले ट्रेडिशनल हसीये जो रहते थे किसान भाई, उसमें कटाई में काफ़ी समय लगता था। अभी ये जो उन्नत हसिया है, नवीन हसिया के नाम के इससे जानते हैं, इसमें कटाई में आसानी रहती है। इसके अलावा किसान भाई ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हैं, इसमें रीपर रहते हैं, रीपर में भी कटाई में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा किसान में रीपर कम बाइंडर है, ये सेल्फ प्रोपोल्ड टाइप का है, इसमें इंजन लगा हुआ है, इसमें सेल्फ प्रोपोल्ड है, इसमें कटाई भी हो जाती है और बंधाई भी हो जाती है, बंध भी जाता है, तो गेहूँ के लिए बहुत ही हमारा बहुत अच्छा कृषि यंत्र है। इसके अलावा किसान भाई हम लोग जब हम लोग कटाई के बाद में हम लोग हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं, गहाई होती है, तो हार्वेस्टर में भी काफ़ी कम समय लगता है। हार्वेस्टर में किसान भाई जब हम काटते हैं तो उसमें हमारे नरवाई छूट जाती है गेहूं की, उसको कटाई के लिए हमारा स्टार रीपर, जिसको हम भूसा बनाने की मशीन भी आप लोग किसान भाई इसके नाम से जानते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा कृषि यंत्र है स्टार रीपर। जब भी आपकी हार्वेस्टर से कटाएं तो स्टार रीपर का उपयोग करेंगे तो आपका भूसे का कलेक्शन हो जाएगा, उसको ट्राली में अलग से इकट्ठा कर सकते हैं, जो बचे हुए आपके गेहूँ हैं उसका भी आप लोग कलेक्ट इकट्ठा हो जाता है। किसान भाई इसके बाद में हमारी गहाई की बात रहती तो मल्टी क्रॉप थ्रेसर इसमें बहुत उपयोगी है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर में आप गेहूं हो गया, चना हो गया, इसकी गहाई आराम से आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग गेहूं की कटाई करें तो उसकी जो
पुली की जो स्पीड है थोड़ी ज़्यादा रखें, 600 RPM के लगभग रखना है। और जब चने और दलहनी फसलों की अपने उगाही करनी है तो लगभग 400 RPM के आसपास को अपने को स्पीड रखनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब गाय की बात आ जाती है तो उसके बाद में हमारा जो रबी के सीजन के बाद में जो हम लोग प्लाउ की बात करें, गहरी जुताई की बात करते हैं, तो MB प्लाउ का आप लोग प्रयोग करें। और इसके अलावा जो हमारे गेहूं की जो नरवाई है उसको आप लोग एक तो आप स्टार रिपर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग रोटावेटर का भी प्रयोग करके आप लोग उस नरवाई को ज़मीन के अंदर मिला सकते हैं, जिसके बाद में आप लोग खाद बना सकते हैं। किसान भाई, इस तरह के जो उन्नत कृषि यंत्र हो गए उसमें आप लोग जहाँ सब्जियों की खेती हो रही है वहाँ पर आप लोग सब्जियों की पौध तैयार करके आप लोग सब्जी रूपक यंत्र है उसका प्रयोग आप लोग किसान भाइयों को करने चाहिए, क्योंकि आजकल लेबर की मजदूरी की कास्ट कई जगह हमारी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण हमारी सब्जी की रुपाई में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो सब्जी रूपक यंत्र जो ट्रैक्टर से चलते हैं उसके प्रयोग से आप लोगों को कम समय में और कम लागत में आपकी सब्जी की रुपाई हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाई, जब आप लोग चाहे खरीफ अभी जायद की जो उड़द मूंग की फसलों की बुआई कर रहे हों, चाहे आपकी जो बरसात के सीजन उसकी बुआई करें, एक जो उन्नत कृषि यंत्र अभी हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है उसको हम लोग रेजबेड प्लांटर बोलते हैं, उसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हैं। उस पर आप कम पानी भी लगता है, बरसात के सीजन में हम लोग देखें किसान भाई तो उसमें एक मेड़ पर दो लाइन में बोनी होती है, और इसके कारण अभी जायद में भी हम लोग उड़द मूंग भी उसमें लगा सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और भी हम लोग उसमें जायद के सीजन में तुअर की भी बुआई भी कर सकते हैं, यदि आपके पास पानी की उपलब्धता है तो आप उसमें मेड़ पर तुअर लगा दीजिए, स्प्रिंकलर से आप लोग सिंचाई करिए, जिससे कि आपकी ये फसल आपकी उधर समय से कट जाएगी। तो किसान भाई, ये रेजबेड प्लांटर है, इसके खरीफ में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उसमें क्या है कि एक लाइन पानी की बचत होती है, 30-40% पानी की बचत होती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब हम लोग कृषि यंत्रों की चर्चा करते हैं तो रखरखाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। रखरखाव जब हम लोग करते हैं, जैसे हमारा ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का चुनाव, जैसे अभी हमारी फसल की कटाई गाही होती है उसके बाद इन सबको हम ट्रैक्टर से चलाते हैं, और ट्रैक्टर का खरीदने का समय भी यही उपयुक्त रहता है। तो ट्रैक्टर को कैसे खरीदें, उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। ट्रैक्टर उन्हीं किसानों को खरीदने चाहिए जिसके पास में मान के चलिए कि 30 एकड़ ज़मीन है, तो एक हॉर्स पावर 1 HP के अनुसार चलता है। 30 एकड़ ज़मीन है तो आपको 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना है, 40 एकड़ ज़मीन है 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना है। इस तरह यदि आपके पास में सिंचाई वाली ज़मीन है तो आप उस हिसाब से आप लोग खरीदिए, मतलब आपको ज़मीन को देखना है और आपके पास सिंचित कौन कौन से साधन है, इस हिसाब से आपको ट्रैक्टर खरीदना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किराए से भी चलाना है कि नहीं चलाना है। दूसरा, किसान भाई, आप जो इसी ट्रैक्टर खरीद रहे हो तो आपका केंद्रीय कृषि एवं कृषि संस्थान भोपाल या बुधनी में इसकी परीक्षण रिपोर्ट जरूर देख लें कि हमको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, उसमें उसकी सब तरह की विशेषता है कि नहीं है। उसके अलावा किसान भाई, जब हम लोग ट्रैक्टर को खरीदते हैं तो उसके बाद उसका रखरखाव में 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले आता है उसका जो ऑयल है, उसमें दो तरह के ऑयल डलते हैं, एक 90 नंबर ऑयल डलता है और एक डलता है ISE 40 नंबर ऑयल। तो 40 नंबर ऑयल है किसान भाई, उसको हम लोगों को 200 घंटे में अपने को चेंज करना है, और चेंज भी इस तरह का करना, कई जगह बार हम लोग देखते हैं किसान भाइयों को, जैसे ही आपको ऑयल का लेवल कम होता है, उसमें 6-7 लीटर ऑयल बनता है, किसान भाई देखते हैं उसका लेवल कम हुआ तो जले हुए ऑयल में ही फिर से नया ऑयल मिला देते हैं, जिससे कि उसकी जो विस्कोसिटी है, जो चिकनाईपन है, वो भी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरी तरह से जब भी बदलें पूरी तरह से ऑयल अपने को बदलना है, तो 200 घंटे में अब ऑयल ये बदलना है। इसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर हैं वो भी अपने को लगभग इन्हीं 200 घंटे में बदलना है। इसके अलावा किसान भाई, नए ट्रैक्टर खरीदा तो जो ISE जो 90 नंबर ऑयल है वो अपने को लगभग 1 साल में चेंज करना है या 600 घंटे में चेंज करना है। किसान भाई, इस बारे में हम लोग किसानों से चर्चा करते हैं, कभी कभी क्या है कि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही होती है, ISE जो 90 नंबर ऑयल है उसको बहुत ही कम लोग बदलते हैं। इसके अलावा किसान भाई, जो हवा का जो प्रेशर है उसको भी आप लोग चेक करते रहिए, जब आपको रोड पर चला रहे हैं तो प्रॉपर हवा का मेंटेन हो, उसके अलावा फील्ड में चला रहे हैं तो उस हिसाब से मेंटेन हो। इसके अलावा जो किसान भाई, जो हम लोग रेडिएटर रहता है उसमें पानी का लेवल, उसमें एक थर्मोस्टेट बल्ब रहता है जो कि टेम्परेचर जो तापक्रम को कंट्रोल करता है, कभी कभी वो ख़राब हो जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो उसको भी देखते रहिए वो उसमें वो सही है कि नहीं, क्योंकि जब हमारे ट्रैक्टर का इंजन का तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें
यदि वो ठंडा नहीं हो, थर्मोस्टेट बल्ब काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण हमारे इंजन में नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इस तरह रखरखाव को ट्रैक्टर के समानता रखरखाव की आप लोग जो हमारा नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जानकारी लेते रहिए। इसके अलावा जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनके प्रयोग के बाद में उनका भी हमको सही ढंग से रखरखाव करना है। जैसे कि आपका जुताई वाले कृषि यंत्र हो गया, कल्टीवेटर हो गया, आपका रोटावेटर हो गया, जहाँ भी उसके आयल वाले पॉइंट हैं वहाँ पर आयलिंग समय पर करते रहिए। उसके बाद में प्रयोग करने के बाद में उनके जले हुए आयल से पोत के छायेदार स्थान पर रख दें। इस तरह हमारा बोनी वाले कृषि यंत्र हो गया, सीड ड्रिल हो गया, रोटर ड्रिल हो गया, सीड कम्फर्टर या ड्रिल हो गया, इनमें भी जैसे ही आप लोगों को प्रयोग करने के बाद में उनको अच्छे से धो के जहाँ पर खाद वगैरह है, कभी कभी क्या हम लोग वैसे ही खुला छोड़ देते हैं खाद पसीज जाता है उसमें क्या जंग लगती है जिससे बहुत तेज़ी से खराब होने लगते हैं, तो उसको अच्छे से धो के जले हुए आयल को आप लोग उसमें डाल के और जहाँ पर ग्रीसिंग पॉइंट है आयल वाले पॉइंट है उसको लगा के आप लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों जो भी आपके पास में और भी दूसरे कृषि यंत्र हैं जैसे आपके हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग वाले उनका भी आप लोग सही ढंग से रखरखाव करना है। और सबसे पहली बात इनको छायादार स्थान पर रखते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं हमारा किसान ने काम पूरा किया उसको उसी स्थान पर छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा जो महंगा कृषि यंत्र है जो हम लोग एक कृषि यंत्र है 50 से 1 लाख रुपये में आता है, ट्रैक्टर हमारा 8 से 10 लाख रुपये में आता है, इसका सही से रखरखाव हम लोग नहीं करेंगे तो जल्दी ख़राब होने लगेगा जिससे हमारा आर्थिक क्षति होगी। इसलिए कृषि यंत्र को सही से प्रयोग करें और सही से रखरखाव करेंगे तो आप खेतीबाड़ी में आपको लाभ होगा। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, याद करो वो समय जब एक साल में हमारे किसान भाई एक खेत में एक फसल लेते थे, पर अब एक साल में एक खेत में किसान तीन तीन फसल लेता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे वर्षाकालीन अगर खेती करें तो पहले हमारे किसान भाई सोयाबीन, मक्का, ज्वार की फसल लेते हैं, इसके बाद शीतकालीन खेती में गेहूं, चना, मसूर की पैदावार लेते हैं, और ग्रीष्मकालीन खेती में अर्थात अब हमारे किसान भाई बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। और जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहें उनके सफल उत्पादन के गुर बता रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक श्री विनोद जी जाट, जो कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में पदस्थ हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जो है उसमें सबसे पहले उसकी टाइम जो है बोनी का टाइम उसका ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन मूंग में हम मार्च की शुरुआत से अप्रैल तक इसको बो सकते हैं। उसके लिए अच्छे से पाटा लगा के 2 बार बखरनी करके खेत की तैयारी करें और जो है गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद को अच्छी तरह भूमि में मिला लें और इस प्रकार से खेत की तैयारी करें। उसके बाद जो है बीज की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन बीज को जो है उसमें YMB रोग ज़्यादा आता है, इसलिए आप बीज उपचार जो है उसको आवश्यक तरीके से करें। बीज उपचार में कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब और इमिडाक्लोप्रिड दवाई और साथ में राइजोबियम कल्चर जो मूंग का आता है उसके साथ में उसका बीज उपचार करके ही बुआई करना है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जो है बीज दर हमको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग में हमें कौन कौन सी किस्में बोना है उसका विशेष ध्यान करें। किस्मों के चयन में आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि जो है YMB और दूसरे रोग और कीट रोधी किस्में बोने से हमको ज़्यादा लाभ मिल सकता है।
गर्मी में बोने के लिए जो सबसे अच्छी किस्में हैं उनमें से PDM 139 जिसको सम्राट बोलते हैं उस जो है वो 60 दिन में पक जाती है और YMB रोधी है और इसमें हमें 12 से 15 क्विंटल एकड़ प्रति एकड़ जो है बीज मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हम बन करके बहुत अच्छी किस्म है, ये भी 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो है 10 से 12 क्विंटल उपज हमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो किस्म है हम 12 उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ये भी 65 दिन में पक जाती है और जो है YMB या पीला मोजेक रोग रोधी किस्म है, आप इसकी बुआई करें। एक किस्म और अच्छी है पूसा 95-31, यह किस्म भी 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो है इसके उपज भी बहुत अच्छी है, इसका दाना भी बड़ा होता है, तो आप जो है इन किस्मों का चयन करें गर्मी में बोने के लिए। गर्मी के मूंग के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना है जिससे कि उपज हमें अच्छी मिले। गर्मी में जो है मुख्यतः पीला मोजेक रोग जिसको MYM भी कहते हैं उसका प्रकोप अधिक होता है गर्मी की मूंग में। सफ़ेद मक्खी का के नियंत्रण के लिए इमिडा क्लोप्रिड एक दवाई है, उसका जो है 0.05% की मात्रा का घोल बना के आप स्प्रे करें जिससे कि जो है इस कीट की रोकथाम हो सके और जो है इसके द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है पीला मोजेक रोग उसकी रोकथाम हो सके। गर्मी में मूंग में सिंचाई अति आवश्यक है, बारिश के मूंग में हमें सिंचाई नहीं करना पड़ती है क्योंकि हमें बारिश के द्वारा पानी मिल जाता है, पर गर्मी में मूंग में कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में मूंग बोने के बाद जो पहला पानी है वो 20 से 25 दिन की फसल में हमें देना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक 12 से 15 दिन के बाद एक सिंचाई करना चाहिए, नमी के अनुसार सिंचाई करना चाहिए जिससे कि भूमि में नमी की कमी ना हो और उसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से आप जो है इसमें मूंग में सिंचाई दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है मूंग की फसल में, गर्मी की मूंग में भी खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे खरपतवार के लिए आप फ्लूकोरेलिन दवा बुआई से पहले जो है इसका प्रयोग करें जिससे कि इसमें खरपतवार नहीं आ सके। इसके अतिरिक्त इमेजी थापर या प्रोपा क्यूजोफाप जो दवाई है उसकी 1 लीटर मात्रा का प्रयोग 500 लीटर पानी में घोलकर आप 20 दिन की क्रॉप में करें जिससे कि खरपतवार नहीं होंगे। मूंग की फसल में 45 दिन तक खरपतवार रहित होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हमें मिल सके। इस प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और जो है जब यह फसल पक जाए इसकी फलियां पक जाए तो जो है इसकी तुड़ाई बहुत आवश्यक है। तुड़ाई के बाद जो है उसको सुखा कर अच्छे से कूट कर और निकाल लें जिससे कि हमें नुकसान नहीं हो और समय समय पर कल्चर प्रैक्टिसेस करते रहें। मूंग के लिए सारी जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो सस्य क्रियाएं अगर अच्छे से करते हैं, समय पर बुआई करते हैं, समय पर सिंचाई देते हैं, उचित खाद की मात्रा देते हैं, रोग नियंत्रण करते हैं, तो हम जो है प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल मूंग की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई जो है इन बातों का ध्यान रखें और जिससे मूंग की फसल अच्छी से अच्छी पैदावार मिल जाए। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां हर गुरुवार रात 9:30 DD किसान पर। DD किसान बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना, हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने, हर शुक्रवार रात 9:30 DD किसान पर। DD किसान बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का।
गौरव प्रगति के विश्वास का चेहरा भारतीय किसान का परचम भारत की शान का डीडी किसान बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों अभी आपने देखा और जाना उसका लाभ आप उठाएं और जब भी फुर्सत के क्षणों में गांव की चौपाल पर बैठें तो दूसरे किसानों को भी बताएं, फिर आपस में विचार विमर्श करें और फिर हमें अपनी राय से अवगत कराएं, अर्थात हमें पत्र लिखें। किसान भाइयों मन तो नहीं हो रहा कि आपसे दूर हों, पर समय की सीमा का ध्यान तो रखना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नवीनतम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।